तो भाई सर आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वाली जो लेजर लाइट है इसके कुछ बेस्ट यूज बताऊंगा। यहाँ पर मैं अपने रूम में हूँ तो आपको बंद रूम में और लाइट को ऑफ करके कुछ इसके बेस्ट यूज बताऊंगा किस तरीके से डेकोरेशन लाइट की तरह काम करती है। तो इसका जो सेंसर है वही मेरे पास है, वैसे से डायरेक्ट यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, लेजर सिक्योरिटी वाला मैंने बना के दिखाया था। तो अब मैं आपको इसके कुछ बेस्ट यूज बताऊंगा। तो अब वीडियो बने रहना, इस टाइम अपने रूम में तो मैं सारी लाइट को ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जो ऊपर की साइड में लाइट है सभी को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसे यूज करके दिखा दूँ। वीडियो को आप शुरू से देखिए, एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन देखने को मिल सके। और फ्रेंड्स मैं आपको टाइटल पर अपना जो इंस्टाग्राम आई डी वो मैंशन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किए थे तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए उसे यूज करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं सारी लाइट को ऑफ कर देता हूँ। तो अभी रूम में बिल्कुल अंधेरा, चलिए इसे यूज करके देखते हैं। तो मैं पीछे वाले कैमरे को ऑन कर लेता हूँ। तो अभी जो लेजर लाइट है वो मेरे हाथ में, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसकी जो लाइट है वो आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन अभी ये सिंपल लाइट है, ये बिल्कुल सीधा डायरेक्शन है इसका और आप इसे सिक्योरिटी अलार्म की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका जो सेंसर है उसे लगाने के बाद मैं आपको इसे यूज करके दिखा देता हूँ। तो अभी थोड़ी देर मैं यहाँ पर इसे सेट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने इसके सेंसर को यहाँ पर लगा लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख पाऊंगा यहाँ पे। लेकिन अभी इसे दीवार पर चेक करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो इसका जो सेंसर है वो इसकी लाइट को काफ़ी गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेकोरेशन लाइट की तरह यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे इसके जो आगे वाला लेंस है आप इसे मूव करके इसकी लाइट को चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख पाऊंगा यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे शेप दे रहा है और यहाँ पे जो लेजर लाइट की वजह से हो रहा है, देख पाऊंगा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो सेंसर है आप इसे मूव कर सकते हैं, मैं इसे उंगली से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और ये काफी गुना यहाँ पे बढ़ जाता है आप इसे साइड से करेंगे दीवार में। तो हेजर डेकोरेशन लाइट की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। तो देख पाऊंगा यहाँ पे सिंपल सी लेजर लाइट है जो कि यहाँ पे एक होती है, लेकिन जो इसका आगे वाला सेंसर है वो इसे कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा लाइट में डिवाइड कर देता है। तो ये थी गाइस यहाँ पे जो लेजर लाइट होती है उसके काफी बेस्ट यूज। तो मैंने आपको दिखा दिया इसकी जो लाइट है वो किस तरीके से अलग अलग शेप में डिवाइड हो सकती है। इसका जो आगे वाला सेंसर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आप इसे यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और इसका प्राइस लगभग 300 रुपये, 280 से लेकर 300 रुपये के बीच में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन देखने मिल सके। फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।